हाय मदन चलकर में आपका स्वागत है। प्रेगनेंसी में जो है हर किसी को जिज्ञासा रहती है जानने की कौन सा वीक चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है और कौन सा ट्राइमेस्टर आपका चल रहा है। तो कई बार जो है डॉक्टर के पास टाइम की कमी की वजह से या फिर डॉक्टर जो है इतने अच्छे नहीं मिलते कि आपको हर बात का आपका रिप्लाई कर सके। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है खुद ही निकाल सकती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा वीक चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है और कौन सा आपका ट्राइमेस्टर चल रहा है। आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो प्रेगनेंसी होती है वो नॉर्मली 40 वीक की मानी जाती है, यानी 280 दिन जो है वो आप प्रेग्नेंट रहती है। और कई लोग जो कंफ्यूज रहते होंगे कि कंसीव होने का पहला दिन हम कौन सा काउंट करें, कि क्या जिस दिन हमने फिजिकल रिलेशन बनाया था वो दिन काउंट करना है या फिर मेंसेस वाला दिन काउंट करना है। तो देखिए, आपका जो मेंसेस लास्ट टाइम जो आया था उसका पहला दिन आपने काउंट करना है। अपने फिजिकल रिलेशन से आपने 7 दिन बाद बनाए हो, 10 दिन बाद बनाए हो, 15 दिन बाद बनाए हो, वो दिन आपका काउंट नहीं होगा। आपका काउंट होगा वो होगा पीरियड का पहला दिन। तो आइए जानते हैं कि कैसे आपने निकालनी है वीक, मंथ और ईयर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जो प्रेगनेंसी में जो हम वीक निकालते हैं वो LMP यानी आपका लास्ट टाइम जो पीरियड आया था उसके फर्स्ट डे से निकाला जाता है। तो मान लो आपकी लास्ट बार मेंसेस आया था, आपका LMP थी आपकी मान लो 1 सितंबर और आज डेट है मान लो 16 नवंबर, तो ये डे भी काउंट होगा फर्स्ट डे। तो सितंबर में दिन हो गए टोटल आपके 30 दिन, 30 दिन होते हैं सितंबर में और फर्स्ट डे को आ गई थी, 30 दिन ही हो गए अक्टूबर के आपके पूरे पूरे 31, और अब महीना चल रहा है आपका नवंबर, नवंबर के आपके 16 डेज चल रहा है आज, तो ये हो गया 16। इन तीनों का जोड़ कर देना, इनका आएगा 77, फिर इनको 7 से भाग देना है, 7 से दोगे तो आ गया 11। तो इतने वीक आप प्रेग्नेंट है, आ गया 11 वीक आप जो है प्रेग्नेंट है। एक और निकाल के देख लेते हैं, जैसे मान लो आपकी LMP थी 10 जनवरी को और आज मान लो डेट है 15 अक्टूबर, इसका हम निकालेंगे। तो 10 जनवरी से 31 तक बन गए 22 दिन, फिर हर महीने का हम इसमें लिखते जाएंगे। फरवरी के जैसे 28, अप्रैल के सॉरी मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30 और जुलाई के 31 और अगस्त के भी 31, सितंबर के 30, फिर है अक्टूबर, अक्टूबर आपका चल रहा है तो अक्टूबर का 15 प्लस 15, इन सब का काउंट करोगे तो आपका आएगा 279। इसको फिर 7 से भाग देना है, 7 से जो दोगे तो इसका आएगा 39.6। जो पूरा पूरा भाग गया है उतने तो आ गए आपके वीक, ये आ गया 39 वीक, 0.6 आया है ये आपके आगे डेज, 6 डेज, यानी आप 39 वीक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, वो 6 डेज आपके हो गए और आप चल रही हैं 40 वीक, आपका 40 वीक आपका चल रहा है, ठीक है। और अब निकालते हैं महीना। अब आपने वीक्स निकाल लिए, जैसे आपका पहला महीना होता है 1 से 4 वीक पर, जो दूसरा महीना होता है वो होता है आपका 5 से 8 वीक पर, तीसरा महीना होता है आपका 9 से 13 वीक पर, चौथा महीना होता है आपका 14 से 17 वीक पे, पांचवा महीना होता है आपका 18 से 21 वीक पे, छठा महीना होता है आपका 22 से 26 वीक पे, सातवां महीना होता है आपका 27 से 30 वीक पे, आठवां महीना होता है 31 से 35 वीक पे और नौवां महीना होता है आपका 36 से 40 वीक्स पे। अगर आपका 36 से 40 वीक चल रहा है इसका मतलब आपका नौवां महीना चल रहा है। आप बीच में अगर आपका वीक चल रहे हैं तो आप महीने इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और प्रेगनेंसी में होते 3 ट्राइमेस्टर, तो शुरू के 3 महीने होते हैं, यानी 1 से 13 वीक पे होता है आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर और चौथे
छह से सातवें महीने तक होता है आपका सेकंड ट्राइमेस्टर, सॉरी छठे तक, और सातवें से नौवें तक होता है आपका थर्ड। तो एक से तेरह वीक पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, चौदह से छब्बीस वीक पे आपका सेकंड, सत्ताईस से चालीस वीक पे आपका होता है थर्ड ट्राइमेस्टर। तो इस प्रकार से आप वीक निकाल लिया और कौन से वीक में कौन सा मंथ चल रहा है वो आपने देख लिया और आपका ट्राइमेस्टर आपने समझ लिया। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो जो भी मैंने बताया है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो भी वीक चले उसके अकॉर्डिंग आप जो है फटाक से फोन में निकाल के देख सकें कि आपका कौन सा मंथ चल रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करना। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।